subscribe to our channel for our latest video series on gate ugc net and more also press the bell icon so that you never miss an update on any latest video for more information you can visit our website or call on the numbers below hello students welcome to digimento education the uh, topic that we are going to do today is a practice for reading and comprehension for your ugc exam we all know or i mean if you have already appeared for ugc or uh, if you are a first timer this is for you that whenever we give our uh, reading comprehension in case of your ugc exam it is mainly for 5 to 6 marks varies some uh, times it's 5 or sometimes it's 6 also so, reading comprehension is a which can fetch you marks and it's not really tough, but only thing is you need to be good, you need to practice more and more for your reading comprehension. So, today we are going to give you a reading comprehension and after that we will be giving you some practice for it. There are different approaches that you can follow for your reading comprehension. Uh, many people they first read the passage and then they read the questions and then they answer the question but the approach that i follow and i actually you know um, prefer that approach is called a bottom up approach now the bottom up approach means first of all you should read the questions and then read the passage so while reading the passage when you know the question somewhere in the mind you know what you are looking for सो देन इट्स इजियर फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चन तो जैसा मैंने कहा कि आपको बॉटम अप्रोच करना चाहिए तो बॉटम अप्रोच में हम पहले क्वेस्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं सो लेट्स लुक इन टू द क्वेश्चन फर्स्ट एज द फर्स्ट क्वेस्टन हेयर सेज बोथ ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू यहां पर वो मेन बात कर रहे हैं अलर्जिक टू सम सो द्वेश्चन इज बोथ ऑफिशियल एंड कॉपोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू सो द ऑप्शन हेयर आर फेलियर ऑफ मॉनसून पॉवर्टी एंड इनइी स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैंशन ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी The second question says, if the rate of premature death increase. So here we have to look for something related to the increase in the premature death. Premature, I think आपको शायद पता होगा कि uh, जैसे अगर एक newborn baby होता है, तो उसके एक mature होने के लिए एक date होती है, which is around thirty six to forty weeks. लेकिन अगर वो उससे पहले हो जाता है, so that is called a premature child. और कई बार अगर एक बच्चा प्री मेच्योर होता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है सो हेयर द क्वेश्चन इज इफ द रेट ऑफ प्री मेच्योर डेथ इनक्रीज इट विल तो कुछ होगा एक्जर्ट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द क्रम्पलिंग इकोनमी हैव एडवर्टाइज सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज मेक positive effect on our एफर्ट to control population and have less job aspirants in the society अब यहाँ पर अगर आप कुछ वर्ड्स देखते हैं जो शायद आपको पहली बार आपने सुने होंगे या आपको नहीं पता होगा लाइक द वर्ड लाइक क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग इकोनमी क्रम्बल का मतलब होता है कि uh, एकदम से ढह जाना जिसको हम कहते हैं एकदम से uh, कोई बिल्डिंग होती है पुरानी होती है तो वो किस तरह से एकदम से ढह जाती है उसको हम कहते हैं क्रम्बल राइट दूसरा है हमारा वर्ड हैव एडवर्टाइज सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एडवर्टाइज मीन्स एडवर्स उल्टा इफेक्ट जो होता है द लास्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेज ये वर्ड शायद आपने सुना भी होगा कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट राइट द नेक्स्ट सेंटेंस हैज अनदर वर्ड लाइक हियर वी डोंट हैव द लास्ट इज हैव लेस जॉब एस्पिरेंट्स अब एस्पिरेंट्स कौन होते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं द पीपल हु एस्पायर टू डू समथिंग राइट जो किसी तरह का मोटिव रखते हैं लाइक like, आपने सुना होगा ही इज एन एस्पायरिंग एक्टर तो उसका एक एम uh, है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है तो वो क्या है एस्पिरेंट है राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टू व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट एडिक्वेली कंसर्न अबाउट अब यहां पर मेनली हम बात कर रहे हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री की और वो किसी चीज को लेकर कंसर्न नहीं है क्वेश्चन सेफली ऑन द रोड लाइफ कवर इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल ओनर्स पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इन द वहीकल प्राइजिंग कॉस्ट ऑफ द टू व्हीलर सो वेन वी विल रीड द पैसेज वी विल गेट टू नो कि वो किस चीज के बारे में कंसर्न नहीं है द नेक्स्ट क्वेश्चन से वट वुड बी द रीजन बिहाइंड टाइमिंग्स ऑफ द हेज रिपोर्ट जस्ट बिफोर द क्योटो मीट यहां पर बात हो रही है कि क्योटो मीट से पहले उसके टाइमिंग uh, को लेकर जो रीजन है वो क्या था तो ऑप्शन आर यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग हार्ड इन ग्लव विद दू एस यहां पर इन ग्लव का मतलब है हाथ में हाथ राइट इट इज एन इंग्लिश टू वर्क हैंड इन हैंड और टू वर्क इन ग्लव मीन्स टू वर्क हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ मिलाकर हा, साथ साथ राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दूटो मीट टू टीच लेसन टू दू एस ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स डिफास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन

तो यहाँ पर मान रहे हैं इंडिकेशन कौन सा ऐसा इंडिकेशन है ऐसा आपको एक हिंट है जो कि बता रहा है कि साउथ एशिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है फर्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इनकवालिटी क्रम्बलिंग हेल्थ केयर सिस्टम इनएडक्ट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम रेडिकली चेंजिंग मानसून फैटल राइट चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर और हमारे इस पैसेज में बात क्या हो रही है लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम योर सो लेट्स बिगेन चलिए शुरू करते हैं हम देखते हैं क्या है रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स रिडक्शन इन द विंटर राइस हार्वेस्ट एंड क्वांटम इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऑल पार्ट ऑफ़ द इन्वायरमेंटल डूम डे सिनारीपोर्टेडली प्लेइंग आउट इन साउथ एशिया यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मानसून पैटर्न है हमारा जो कि चेंज हो रहा है जहाँ पर कि uh, कहीं पर आपका राइस जो विंटर राइस होता है हार्वेस्ट उसमें एक कमी आई है और एक क्वान्टम इंक्रीज मीन रैपिड इंक्रीज हुआ है इन द रेस्परेटरी डिजीजे इन ऑल पार्ट ऑफ द साउथ एशिया रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब जो आपको सांस लेने की तकलीफ होती है सांस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनकी बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रिपोर्ट अ डेडली थ्री किलोमीटर डीप ब्लैंकेट ऑफ पल्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ दॉक्टेल ऑफ एशे एसिड्स एसरो पार्टिकल्स हैव एनवेल्ड इन दिस रीजन अब जो यूनाइटेड नेशंस का एनवामेंटल प्रोग्राम है उसके हिसाब से एक रिपोर्ट है कि अगर हम अपनी अर्थ की बात करते हैं या हम अपने एरिया की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक थ्री किलोमीटर का थिक एक ब्लैंकेट जैसा हो गया है जिसने हमारे अर्थ को कवर कर रखा है एनवेलप मीन्स इट हैज कवर उसको कवर कर रखा है और वो क्या है एक बहुत ही फियरसम मींस डरावना एक कॉकटेल है कॉकटेल क्या होता है जब हम कॉकटेल बनाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स मिक्स करते हैं उसी तरह से ये जो ब्लैंकेट है पोल्यूशन का वो एक कॉकटेल है बेसिकली किस चीज का एशेस का यानी राख एसिड्स का एरोसोल्स का और बहुत सारे और पार्टिकल्स का फॉर इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विद अ ड्राउट The implication of this are devastating and further crop failure will amount to a life and death question for many Indians. अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहा है आ, किसी चीज़ को कोप अप करने के लिए कोपिथ होता है किसी चीज़ को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ को फेस करने के लिए किसको फेस कर रहा है इंडिया ऑलरेडी ड्राउट को फेस कर रहा है ड्राउट मीन्स सूखा फेमाइन यस। ड्राउट को फेस कर रहा है और ये एक तरह से एक इम्प्लीकेशन है एक तरह का हिंट है जो कि एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट दे रहा है डिवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद होना या बर्बाद करना वो एक बर्बाद करने वाला हमको एक इफेक्ट दे रहा है जो कि आगे रिस्पॉन्सिबल होगा बहुत सारे क्रॉप फेलियर्स के लिए यानी कि फसलों के बर्बाद होने के लिए जो कि एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे इंडियंस के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री बहुत सारे लोग एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट स्टिल ऑन एग्रीकल्चर और उसमें भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए द इंक्रीज इन प्रीमेर डेथ्स राइट right? अब देखिए हमने बात किया आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ा था समथिंग रिलेटेड टू प्रीमैच्योर डेथ्स राइट सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन द प्रीमैच्योर डेथ्स विल हैव एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड अ राइज़ इन मोबिलिटी विल प्लेस एन अनवेरिएबल बर्डन ऑन आर क्रंबलिंग हेल्थ सिस्टम अब ये कहते हैं कि इसके कारण एक प्रीमैच्योर डेथ्स होंगी और उन प्री मेच्योर डेथ्स जो होंगी वो प्री मेच्योर डेथ्स मतलब जब होनी है उससे पहले तो उसका एक उल्टा असर होगा एडवर्स इफ़ेक्ट होगा सोशल एंड इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिससे कि राइज़ होगा मोबिलिटी मोबिलिटी मीन्स अनसर्टनिटी या डाउटनेस जो होगा वो एक अलग तरह का बर्डन डाल देगा हमारी हेल्थ सिस्टम कमज़ोर हेल्थ सिस्टम के ऊपर

एलर्जिक रहा है एलर्जिक होता है आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते या आपको प्रॉब्लम होती है इंडिया को शुरू से एक प्रॉब्लम रही है क्लीन टेक्नोलॉजी से। मोस्ट टू व्हीलर्स रोल ऑफ असेंबली लाइन विदाउट प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल राइट अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपको आपने देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर हमारा एक पॉइंट था विच वॉज टॉकिंग अबाउट अ टू व्हीलर इंडस्ट्री राइट आई होप यू रिमेंबर सो टू व्हीलर रोल ऑफ द असेंबली लाइन विद आउट प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम राइट तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टू व्हीलर विद प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लिटिल एफर्ट इज मेड फॉर आर एंड डी ऑन सिंपल टेक्नोलॉजीज विच वुड मेक अ वाइटल डिफरेंस टू द पीपल्स लाइफ एंड एनवाट अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितनी भी टू व्हीलर कंपनीज हैं वो जो उनकी असम्बली लाइन है वो एक प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं और वो बहुत कम एफर्ट करते हैं आर एन डी के लिए आर एन डी क्या होता है आर एन डी मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है वो बहुत कम एफर्ट डालते हैं या बहुत कम कोशिश करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने के लिए विच वुड मेक अ वाइटल डिफरेंस वाइटल मीन्स विच वुड मेक एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस किस चीज़ में इम्पॉटेंट डिफरेंस आएगा इट विल हैव अ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड एनवाइ लेकिन ये टू व्हीलर कंपनी जो है हाउ एवर वाइल साउथ एशिया मस्ट क्लीन अप इट्स एक्ट स्के माइट क्वेश्चन इन टाइमिंग्स ऑफ रिपोर्ट। नाउ द थिंग इज दे आर से इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं है डिनाई मतलब मना करना देर इज़ नो निनाइंग इसके लिए कोई मना नहीं करता कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको क्लीन अप करना होगा किस चीज़ को अपने एक्ट्स को अपने जो भी आपके पोल्यूशन एक्ट्स हैं या जो भी हैं स्केप्टिक्स स्केप्टिक्स होते हैं क्रिटिक्स जो कि किसी चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं किस चीज़ को लेकर हेज़ रिपोर्ट जो है उसके टाइमिंग को रिपोर्ट लेकर कि वो किस टाइम पे रि रिलीज हुआ उस टाइमिंग को लेकर वो क्वेश्चन कर सकते हैं द क्योटो मीट अप द क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट ओवर एंड द स्टेज वाज़ सेट फॉर द अनयूजुअल बैटल बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द वेस्ट पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स अब क्योटो मीट क्या है देखिए ऐसा है कि क्योटो एक जगह है जापान में जहाँ पर यू एन ओ समिट हुआ था और क्योटो से पहले इनफैक्ट हमारा रियो में हुआ था जिसे हम रियो समिट भी बोलते हैं जो 1992 में हुआ था उसके बाद हमारा क्योटो समिट आया था या क्योटो मीट भी हम इसे कहते हैं तो क्यूटो मीट में बेसिकली ये डिसाइड किया गया था कि uh, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिसाइड की जाए साइन की जाए जिससे कि हम सब अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेटल कर सकें क्लाइमेट चेंज को लेकर तो क्यू मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट ओवर अभी अभी खत्म हुई है एंड द स्टेज वॉज सेट फॉर द अनयूजअल बैटल और एक स्टेज तैयार था जिसमें कि एक अनयूजल एक जो नॉर्मल बैटल नहीं है मतलब कहने के लिए लड़ाई है लेकिन लड़ाई नहीं है किसके बीच में डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और वेस्ट के बीच में जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं और उनमें मेनली हम बात कर रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यूएस के दू एस प्रेजिडेंट हैज एडमेंटली रिफ्यूज टू साइन एनी प्रोटोकॉल विच वुड मीन चेंज इन अमेरिकन कंजम्शन लेवल अब यहां पर जो अमेरिका का प्रेजिडेंट है उसने बड़ी एडमेंटली एडमेंट adamant होता है वेरी रूडली और वेरी स्ट्रोंगली जब आप किसी स्ट्रॉन्ग शब्दों में किसी चीज के लिए मना कर देते हैं नो आई नॉट डू दिस वो होता है एडमेंट तो उसने बहुत एडमेंटली मना कर दिया रिफ्यूज़ कर दिया क्या साइन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो भी वहाँ पे डिसीजन हुआ उसको साइन करने के लिए मना कर दिया अकॉर्डिंग टू व्हिच इट वुड मीन अ चेंज इन द अमेरिकन कंजम्पशन लेवल, जिसके हिसाब से अमेरिका का जो भी पोल्यूशन कंजम्पशन लेवल था या जो हो सकता था उसमें एक चेंज आ सकता जिसके लिए very arrogantly, very adamantly American president environmental UN Environment Report will likely find a place in the US arsenal as it plans an accusing finger towards control like India and China. अब ये जो हमारा यूएस का आर है आर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर यू कीप योर यू नो आर्म्स एंड नमिनेशन आर वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने हथियार रखते हैं जिसे हिंदी में हम शस्त्रागार बोलते हैं तो ये जो टॉपिक है ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली जो यू का एक हथियार है जिसने प्लान कर रखा है उंगली उठाने के लिए कि जो मेन कंट्रोल है या मेन जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है वो है हमारा इंडिया और चाइना में सो बेसिकली अमेरिका के हिसाब से दो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है इंडिया एंड चाइना येट द यूएसए कैन हार्डली डिनय इट्स ओन डाउटस रोल इन द मैटर ऑफ इरेजिंग ट्रेडिंग कोटेशन कोट्स जबकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो कोई इस बात में डाउट नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने पल, काम से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है रिच कंट्रीज कैन सिंपली बाय अप एक्सेस्ड फ्रॉम पुअर कंट्रीज एंड कंटिन्यू टू पोल्यूट अब इस लाइन का मतलब यह है कि जो जितनी भी रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं वो हर चीज़ का क्रेडिट ले लेती हैं गरीब कंट्रियों से और अपना पोल्यूशन लेवल कंटिन्यू करती हैं जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि अमेरिका जो है इट इज़ ब्लेमिंग अप इंडिया एंड चाइना मेनली फॉर दी पोल्यूशन उसी तरह से और जितनी भी हमारी वेस्टर्न या जितनी रिचर कंट्रीज़ हैं वो सब जितना क्रेडिट होता है वो पुअर कंट्रीज से छीन लेती हैं और अपना पोल्यूशन लेवल जो है वो कॉन्टीन्यू रखती हैं Rather than try to get the better of developing countries who undoubtedly have taken up environmental shortcuts in their bid to catch up the West, the US should take a look at the environmental profligacy which is going on within. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रादर उनको ये कोशिश करना चाहिए ये ट्राई करना चाहिए कि वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे बेटर रिजल्ट्स निकलवा सकें इन टर्म्स ऑफ योर पोल्यूशन राइट और उनको क्या कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक एनवायरमेंटल जो शॉर्टकट्स हैं वो ले रखे हैं ताकि वो किसी तरह से वो वेस्ट को यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को टेक ओवर कर सकें या उनको पकड़ सकें इस डेवलपमेंट के रेस के अंदर द यू एस शुड टेक अ लुक एट द एन्वायरमेंटल प्रोफ्लिगेसी यहाँ तक कि अमेरिका को भी अपना जो एनवायरमेंटल प्रोफ्लिगेसी uh, है एन्वायरमेंटल की जो प्रॉब्लम्स uh, हैं उनको टेक ओवर करना चाहिए जो कि उनके वहाँ पर विद इन दैट कंट्री इट सेल्फ हो रही है फ्राम ओपनिंग अप वर्जन टेरिट्रीज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन to relaxing the standard of drinking water, the American president's policies are not exactly beneficial, not even to the America's interest. अगर हम बात करते हैं आ, अमेरिका की, तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है that from opening from opening up the virgin territories for oil exploration, जितनी भी अमेरिका ने अपने territories को open किया है uh, ऑयल डेशन के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए या उन्होंने रिलैक्सेशन किया है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जितना भी उन्होंने उसको रिलैक्सेशन किया है जो अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है ना वो दुनिया के लिए और ना ही इवन अमेरिकन के लिए वे रिलाइज दैट वी आर ऑल इन टूगेदर एंड दैट पोल्यूशन एनीबडी शुड बी अ ग्लोबल कंसर्न अदरवाइज देर विल बी मोर टनल्स एट द एंड ऑफ द्स मतलब ये कि हमको हम सबको वी वी मीन्स नॉट ओनली द डेवलपिंग कंट्रीज बट ऑल्सो द डेवलप कंट्रीज हम सबको सब ये रियलाइज करना चाहिए क्या वी आर ऑल टूगेदर इन दिस हम सब इस चीज़ में किस चीज़ में पल्यूशन के केस में पल्यूशन फैलाने के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार हैं जितने सब हैं और वहाँ पर ये हमारे लिए ग्लोबल कंसर्न होना चाहिए ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें ना कि हम अपनी ईगो को अपने एटीट्यूड को बिहेवियर को इन सब के बीच में लाएं वरना ये एक तरह से आ, यहाँ पर एक फ्रेज़ यूज हुआ है टनल्स एट द एंड ऑफ द टनल जैसे हम कहते हैं एक सुरंग है उसके आगे और सुरंगे हैं और सुरंगे हैं यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई अंत नहीं है यानी कि इस डिस्कशन का कि कौन जिम्मेदार है हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन वेदर इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और एन अन डेवलपिंग कंट्री इस चीज़ का कोई एंड नहीं है हम सबको अपनी uh, एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी

that the, it is going to have an adverse effect on the social and economic consequences right yes so the answer here will be b that means it will have an adverse social and economic consequences so option one which was both official and corporate india is allergic to the answer is mentioned on clean technology and for the question if the rate of premature death increase it will have adverse social and economic consequences. The next question says according to the passage, the two wheeler industry is not adequately. कंसर्न अबाउट याद कीजिए हमने पढ़ा था द टू व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट कंसर्न अबाउट द ऑप्शन इज सी विच इज पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इन द वहीकल्स द एट लीज कंसर्न वो कोई कंसर्न नहीं दिखाते कि वो अपने व्हीकल्स के अंदर कोई पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे सो द ऑप्शन इज बी दैट इज पल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इन द वहीकल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What would be the reason behind timings of the Hayes report just before the Kyoto meet? We have read that there is a, a lot of people, the spectacles, people, they are, you know, concerned about the Kyoto meet, why it is so early. So, in this case, the option is option number सी दैट इज़ ड्राॅइंग अटेंशन टू द ऑफ द वर्ल्ड टू वर्ड्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डीक्रोडेशन जिसको लेकर हम सब बात करते हैं तो ये रीज़न उसको मीट से पहले करने का क्या है रीज़न इज कि ताकि वर्ल्ड का बिकॉज क्योटोमीट इज़ अ वर्ल्ड समिट ऑन एनवायरमेंट तो उसके लिए हम वर्ल्ड का कंसर्न वर्ल्ड का टेंशन ड्रॉ कर सकें टू द प्रॉब्लम ऑफ एन्वायरमेंटल डीक्रोटेशन The last question here says, which of the following is the indication of the environmental degradation in South Asia? South Asia में environment के खराब होने का, degrade होने का क्या indication है? किससे पता चल रहा है हमें? The answer here. is your d that is radically changing monsoon pattern starting first line was that radically changing monsoon pattern is responsible for these problems in south asia just say india effect we have got drought we have crop a problem crashing of the crops and all that so this is the answer the indication of the environmental degradation in south asia is radical changing

you have further problems and we will do for some more videos for salting out or you know doing practice for the comprehension passage thank you